हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी विशेष आपके साथ है, आप हमेशा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी सूर्य ग्रहण के बारे में। 21 जून को यानी कि इस साल का पहला जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। दान के बारे में बात करने वाली हूँ, आखिर कौन सा दान आपको देना चाहिए जिससे आपको लाभ होगा। पूरे साल अगर आप चाहते हैं, आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दान बताऊँगी आपके मूल्यांक के बारे में, यानी कि आपका जो बर्थ डेट है उससे आपको बताऊंगी कि आपको क्या दान देना चाहिए। राशि होता है दोस्तों, हमें अपनी खुद की राशि नहीं पता होता। बहुत से लोग हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होता और वो कंफ्यूज रहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम राशि रखें या नाम के हिसाब से हमारी राशि हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी सिर्फ आपकी बर्थ डेट, यानी कि आपकी जो बर्थ डेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है उसके हिसाब से आपको क्या दान देना चाहिए। तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी, सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है वो 21 जून को पड़ रहा है, 10:42 से स्टार्ट होगा और 2:30 बजे तक, यानी कि दिन के 2:30 बजे तक रहेगा। इसके दौरान अगर आप लोग खाना ना खाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं और फिर हमारे घर में बच्चे हैं, हम उनको रोक नहीं सकते, तो वो ज़रूर खा सकते हैं। आप बस उसमें इतना ध्यान दीजिए कि तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दीजिए और आपके घर में जितना भी खाना बना हुआ है, कोई भी थोड़ा बहुत, कोशिश कीजिए उस दौरान खाना ना बनाएं। और अगर पहले से कुछ बना रखा है, आटा अगर फ्रिज में रखा है या फ्रिज में कोई भी पकी हुई सब्जी रखी हुई है, तो उसके अंदर ज़रूर तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दें। इससे क्या होगा, जो भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव है वो इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं साइंटिफिक रीज़न होता है सूर्य ग्रहण के टाइम पर हम क्यों नहीं खाना खाते, कोई ना कोई रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न होता है कि वो जो रेज होती है हमारी बॉडी को हार्म करती है, इस वजह से हम बोलते हैं कि हमें वो सब नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए आप कुछ ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर बड़े बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें दे सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लोग बहुत बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण से पहले दान करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के बाद दान करना चाहिए या फिर सूर्य ग्रहण के टाइम पे दान करना चाहिए। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि आखिर सूर्य ग्रहण के टाइम पर ही दान करना चाहिए या सूर्य ग्रहण के बाद। देखिए दोस्तों, आप दान कभी भी कर सकते हैं, अगर आप सूर्य ग्रहण के बाद दान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। दान करना किसी को हानि नहीं होता, बल्कि आप लोगों के लिए साल भर के लिए लाभ होता है। मैं तो यही बोलती हूँ कि सूर्य ग्रहण क्या, आपको दान करने का कोई टाइम नहीं देखना चाहिए, महीने में एक बार, एक दो बार आपको दान करते रहना चाहिए। गरीब लोगों को जितना ज़्यादा आप दान कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, पर फिर भी अगर आप में से बहुत से लोग हैं जो दान नहीं कर सकते, तो वो कम से कम 11 रुपये ज़रूर किसी ना किसी गरीब को दे, इससे आपका भी भला होगा, उसके साथ साथ आपका भी भला होगा, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। ये 11 रुपये आपके पास 101 रुपये होकर लौटेंगे, तो कोशिश कीजिए ज़रूर दान दें। अब मैं आपसे बात करूँगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कि क्या क्या दान देना चाहिए। जिनका मूलांक, आप पहले सुन लीजिए मैं डेट ऑफ बर्थ कैसे बता रही हूँ। मैं 1 से लेकर 9 तक बताऊँगी आपको। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसको स्क्वीज़ करके एक कर लेना है, दैट मीन्स नंबर, सपोज 12 है तो 1+2=3, सपोज 24 है तो 2+4=6, इस तरीके से आपको अपना नंबर लेना है। तो जिनका नंबर बनता है 1, वो कोशिश करें कोई भी पीली चीज़ आप दान में दे सकते हैं, या आप पीली दाल दान में दे सकते हैं, या आम आ रहे हैं, इस जो सीजनल फ्रूट है आम, आप वो भी दान में दे सकते हैं। नंबर टू वाले जो लोग होते हैं, वो चावल की बनी हुई चीज़ें दान दे सकते हैं, नहीं तो चावल भी दान दे सकते हैं, खीर बना के भी दान दे सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सूर्य ग्रहण के साथ टाइम तो मैम ने मना किया, बट सूर्य ग्रहण के बाद आप कुछ बना के ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आपका नहीं मन तो 1 किलो करीब चावल किसी को दे दें, 1.25 किलो, मतलब इतना दें कि किसी के घर में खाना बन जाए। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आम दान देने के लिए बोला तो आप एक आम किसी को आम दान देंगे, बिल्कुल भी नहीं, 0.5 किलो या 1 किलो ज़रूर किसी ना किसी को दे सकते हैं। 3 नंबर वाले भी पीली चीज़ कोई बना के दे सकते हैं, आम दे सकते हैं या दाल दे सकते हैं, कोई भी पीली दाल दे सकते हैं। चौथा नंबर जो होता है, गेहूं दान कर सकता है, गेहूं नहीं तो आटा दान कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो आप आटे का दान ज़रूर कर सकते हैं। 5 नंबर वाले कोई भी हरी सब्जी का दान कर सकते हैं।
छः नंबर वाले अगर कोशिश करें किसी सुहागन महिला को कोई पूरा सुहागन का सामान भी दे सकते हैं और साथ में एक मिठाई और पैसे ज़रूर दें, है वो मीठी चीज़ बना के गणेश गणपति भगवान को ज़रूर अर्पित करें और उसके बाद आटा दाल चावल ये सारी चीज़ें किसी ना किसी को ज़रूर दें। आठ नंबर वाले यानी कि शनि जिनका नंबर होता है वो काली दाल का ज़रूर दान दें, सरसों का तेल का दान दे सकते हैं या फिर काली चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं, जो भी काली चीज़ें होती हैं, काला कपड़ा किसी को दे सकते हैं, काली दाल किसी को दे सकते हैं, सरसों का तेल दे सकते हैं। नौ नंबर वाले होते हैं वो कोई भी मीठी चीज़ कोई भी प्रसाद घर में बनाकर या आटे का हलवा बना के सूजी का हलवा बना के या बाज़ार से बूंदी का प्रसाद लाकर या कोई भी चीज़ें लाकर वो भी किसी को दान दे सकते हैं। वैसे तो दोस्तों कोई भी आप किसी को भी किसी तरीके का दान दीजिए वो आप लोगों को लाभ ज़रूर देता है, किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होता। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्थ डेट से अगर आपको राशियाँ आपको नहीं पता और आप चाहते हैं बर्थ डेट से आपको दान देना है तो इस तरीके से दान दे सकते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, पूरे साल आपको फ़ायदा होगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।